हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। साइंस क्वेश्चन सिर्फ वो होगा जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि पिछले साल जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, उसमें हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स से पूछे गए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो शिफ्ट इंटरवल पिछले साल उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इस चैनल पे मैं करवाऊंगा। और जो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी क्या है, रिपीटेड है, मतलब कुछ नया नहीं पूछ रहा है, वही एक ही क्वेश्चन को मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है उसको समझना ज़रूरी है, और आपको जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवाया गया है, मतलब 10 क्वेश्चन इसमें लिया हूँ, उस सभी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होगा मैं उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का मान कितना होगा। मतलब बल निकालना है, बल का फार्मूला क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन, मतलब मास गुने त्वरण। हमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण हमें निकालना है। त्वरण का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना, मतलब टाइम के साथ जो उसके वेग में परिवर्तन हुआ वही क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 4/2 सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 8, त्वरण निकल गया 5/2, ये कैंसिल 4, मतलब 5 × 20 न्यूटन हमारा बल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है, यदि मोबाइल का द्रव्यमान दिया हुआ है 1/2 kg है, और मोबाइल फ़ोन को जो हाइट है 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी का मान हमें दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, निकालना है हमें, निकालना है स्थिति ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, MgH, मतलब मास गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने हाइट, हमें सभी डाटा दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसको पुट करना है और आंसर हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1/2, हाइट दे दिया है 100 और गुरुत्वीय त्वरण दे दिया है हमें 10, तो कैंसिल 50 × 10, यानी कितना होगा, 500 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकंड में पहले 25 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, औसत चाल निकालना है। देखिए औसत चाल और औसत वेग दोनों अलग अलग होता है, औसत वेग क्या हो जाएगा, मतलब जो वेग होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, यू वी माइनस यू। यहाँ औसत चाल का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 + 15 कितना हो जाएगा, 40, टोटल टाइम कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये काट के निकालिएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिएगा ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में था सभी का वैल्यू 6.67 ही दिया हुआ था, मैं ये जो आगे का दो ऑप्शन में उसको क्रॉप कर दिया हूँ, सभी में क्या है वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है यूनिट डिफरेंस है, मतलब इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन से इसको हम टिक कर सकते हैं। अगर आपको चाल का यूनिट पता होगा मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में होगा, तो आप सिर्फ मीटर पर सेकंड जिसमें भी होगा ऑप्शन उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन को भी ध्यान दें और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब है
राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने, मतलब 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो पिछला क्वेश्चन भी यही था, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 170 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। देखिए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता होगा आपको, क्या होता है, अगर हम किसी भी वस्तु को जितने बल से उसको धक्का देंगे, वो भी वस्तु क्या होगा, हमें उतने ही बल से हमें भी उस बल को अपोज करेगा। दोनों का बल कितना लगेगा, इक्वल लगेगा। ठीक है, दोनों के वस्तु का मास कितना हो कोई मतलब नहीं है, जितना हम किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे वह भी वस्तु हमें उतना ही बल लगाएगा। बस इसी थर्ड लॉ पे डायरेक्ट पूछ दिया है क्वेश्चन कि 50 न्यूटन से अगर हम उस वस्तु पर लगाएंगे बल, तो भी वस्तु क्या होगा, हमें 50 न्यूटन से बल को लगाएगा, इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण निकालना है, मतलब त्वरण क्या होता है, वी माइनस यू बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी क्या है, समान रहती है। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 है, बाद में चेंज होना नहीं, ये 10 ही रहेगा, तो वेलोसिटी त्वरण तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब वेलोसिटी में चेंज 0 आया, इसलिए क्या होगा, त्वरण इसका 0 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचना होता है इसको। ठीक है, लेकिन अगर h के 3/4 पर वस्तु है अभी, ठीक है, टोटल अगर हाइट हमें h पे जाना है, तो h के 3/4 हाइट पे है, तो उस समय उसका वस्तु में क्या होगी, स्थिति जुड़ जाएगा, गति जुड़ जाएगा के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पर निकालना है। चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो इनर्जी क्या होगा, जो नॉर्मली जो फॉर्म होता है एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, तो कंजर्वेटिव लॉ ऑफ एनर्जी आपको पता होगा, उसमें क्या होता है, इनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ टू अनदर। मतलब इनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हर एक जो फॉर्म है एनर्जी का, वह किसी न किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, इनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाना होता है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर क्या होगा, वह वस्तु एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वह वस्तु भी क्या होगा, फिर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर वह सपोज करते हैं यहाँ तक इसको पहुँचना है, इस मैक्सिमम हाइट तक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह जो मैक्सिमम स्पीड से आया और यहाँ पर क्या होगा, इसका स्पीड 0 हो गया, मतलब वह रुक गया और फिर रुकने के बाद यहाँ पर ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब वस्तु ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, मतलब क्या होगा, इसका गति जो जाए क्या हो जाएगा, एम जी एस से निकालते हैं, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थिति जो जाए क्या होगा, इसका एच हाइट पे सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, वहाँ पर कम होगा। गतिज ऊर्जा कम क्यों होगा, क्या होता है, इसका जो यहाँ इस हाइट तक, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसका स्पीड क्या होता है, घटने लगता है, घटने लगेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो ये ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगा और ये कम होने के बाद चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा कम होगा लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण परावर्तन के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए एक लाइन है, ये एक आपतित किरण है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो मतलब इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ये हमारा लंब है, इस दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 80 डिग्री, हमें निकालना है ये एंगल आपतित किरण क्या होगा। तो आपतित ये क्या जाएगा, ये जो लंब क्या होता है, दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम हाफ कर लेंगे तो 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, मतलब आपतित और परावर्तित दोनों क्या हो जाएगा इसका 40 40 डिग्री होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद देख निकालना है हमें बल, बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जूल दिया हुआ है, केजी दिया है, न्यूटन दिया और पास्कल दिया हुआ है, तो सीधा है बिना कैलकुलेट किए हुए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं न्यूटन। देखिए सभी में क्या है 200 200 दिया हुआ है, लेकिन इसका यूनिट डिफरेंट है, मतलब अगर आपको यूनिट याद है, मतलब यूनिट याद रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो क्या होगा, आंसर तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन आपको जो आंसर होगा सेम है लेकिन यूनिट आपका डिफरेंस है, तो यूनिट देख के आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² यही होता है। अगर अभी किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी इतना है, अगर इस वस्तु के वेग को दोगुना कर देंगे तो कितना जाएगा, काइनेटिक इतना हो जाएगा ये ना, 2 का स्क्वायर मतलब 4v² हो जाएगा। तो कहा गया है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, पहले थी कितना 1/2 mv², अब कितना हो गया 4 mv², मतलब पहले से कितना बढ़ गया है 1/2 3 बढ़ गया 3 mv², मतलब पहले से कितना हो गया ये तिगुना हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और भी क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।